नमस्कार मीना का प्यार भरा आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज सुबह 8 बजे अपने सफर पर निकल चुकी हूँ। संतोष जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सिद्धांत भी हमारे साथ है, उसे नींद आ गई, वो सोया है। और अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ दोस्तों, मीना आज आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल के दर्शन करवाएगी। बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत जल्द। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल की नगरी उज्जैन नगरी में। और उज्जैन नगरी में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले महाकाल तक पहुंचने का रास्ता बता देती हूँ, क्योंकि उज्जैन में नव निर्माण के कारण हमेशा रास्ते जो है बदलते रहते हैं और पार्किंग एरिया भी चेंज होता है। और अभी नया पार्किंग एरिया बना है, तो चलिए आप मेरे साथ पहले पूरा मार्ग देख लें, फिर हम पहुंचेंगे महाकाल के दरबार में। तो फ्रेंड्स, वी आर ऑन द वे ऑफ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ लगा है दोस्तों उज्जैन आपका स्वागत करता है। और देख सकते हैं दोस्तों आप, पार्किंग एरिया के लिए हमें किस रास्ते से गुजरना होता है, मैं पूरा रास्ता आपको कवर करवाऊंगी। पहले और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये नया पार्किंग एरिया बना है। और अब हम एंटर हो गए हैं पार्किंग एरिया में, जहां आप गाड़ी रखने की आपको बहुत अच्छी सुविधा है। और यहां पर देख सकते हैं आप स्मार्ट पब्लिक टॉयलेट। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी बाहर के यात्रियों को, यहाँ पर शौचालय जो उपलब्ध नहीं थे। और देख सकते हैं दोस्तों आप, महाकालेश्वर उज्जैन नगरी में महाकाल बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और यात्रियों की भीड़। और सबसे पहले यात्री जब आते हैं यहाँ तो महाकाल सबसे पहले लिखवाया जाता है, और हमने भी लिखवाया। जय श्री महाकाल। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में वैसे तो दोस्तों 365 दिन ही रश रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा रश पब्लिक श्रद्धालु आपको मिलेंगे सावन के महीने में, और शनिवार रविवार और सोमवार बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु अधिकतर शनिवार रविवार और सोमवार पर ही आते हैं। तो बाहर से आए श्रद्धालुओं और यात्रियों से
मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दर्शन तो दोस्तों आपको कोई वीआईपी पास लेने की जरूरत नहीं है, दर्शन तो इजीली नंदीग्रह से हो जाते हैं। लेकिन यदि आपको भस्म आरती अटेंड करना है तो उसके लिए आप पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पहले कुछ जरूरी बातें जानना जरूरी है, आइए क्या है वो जरूरी बातें जानते हैं। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी हुई है। और दोस्तों देख सकते हैं आप महाकाल बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। हालांकि आज के जमाने में शमशान की भस्म से नहीं होता है, कंडे की भस्म से बाबा महाकाल का श्रृंगार होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक लिंगम, पाताल में हाटकेश्वरम लिंगम शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर लिंगम ही मान्य शिवलिंग है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड के में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुंड है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिर कर मारा गया। पौराणिक तथा और सिंहासन 32 की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ये आधी रात को यहाँ नहीं रुक सकते। राजा महाकाल श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नव ग्रह मंदिर भी स्थित है जहां नव ग्रह देवता विराजित हैं। और दोस्तों नंदीग्रह में प्रवेश से पहले ऊपर के हॉल में होकर गुजरना पड़ता है जहां से भी आप दर्शन कर सकते हैं महाकाल बाबा के। और देख सकते हैं इस वक्त आप, वीडियो लेना अलाउ नहीं था दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा क्लिप जरूर बनाया आप लोगों के लिए। और इस वक्त आप महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। अब हम नंदी ग्रह में प्रवेश करेंगे। हर हर बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु भक्तगण महाकाल के बाबा के दर्शन के लिए आतुर हैं।
और दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं नंदी ग्रह का पूरा आपको सीन बता रही हूँ। देख सकते हैं आप श्रद्धालुओं की भीड़। और दोस्तों गर्भगृह में जाने की अनुमति बहुत कम, पहले से कोई वीआईपी पास लिए हों तो उनको अनुमति होती है। और देख सकते हैं आप नंदी ग्रह से, मैं आपको वीडियो की अनुमति नहीं थी लेकिन फिर नंदी ग्रह से आपको बाबा महाकाल के दर्शन करवा रही हूँ। और इस वक्त आप बाबा महाकाल की एक झलक तो देख ही पाएंगे दोस्तों। तो बोलिए जय श्री महाकाल, बाबा महाकाल की जय। और देख सकते हैं दोस्तों श्रद्धालुओं की भीड़, नंदी ग्रह में ज़्यादा देर नहीं रुकने दिया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने के कारण फिर श्रद्धालुओं को दर्शन नंदी ग्रह से भी नहीं हो पाते हैं। वीडियो लेना अलाउ नहीं होता है लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करके छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आपके लिए बनाया है। तो आई होप आपने बाबा महाकाल के दर्शन किए होंगे। और देख सकते हैं निकास मार्ग, नंदी ग्रह के बाद बाहर की ओर जाने का ये मार्ग होता है। और जैसा कि दोस्तों गर्भगृह में पाताल में महाकाल के दर्शन किए आपने और धरती पर ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर के बाद दर्शन कर पाएंगे आप चंद्रेश्वर महादेव के। और दोस्तों महाकालेश्वर परिसर में अनेक मंदिर हैं और अब हम दर्शन करेंगे साक्षी गोपाल मंदिर, जहां विराजे हैं राधा कृष्ण, बलराम और रेवती। और अब हम दर्शन करेंगे दोस्तों सिद्धि विनायक गणेश मंदिर। जय श्री गणेश। और महाकालेश्वर परिसर में दोस्तों ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के पीछे चंद्रेश्वर नाग देवता का मंदिर विराजित है, जहां नाग देवता के दर्शन सिर्फ नाग पंचमी पर ही होते हैं। और अब हम दर्शन करेंगे दोस्तों बृहस्पति देव महादेव के, जहां अधिकतर अभिषेक भी करवाया जाता है। और अब मैं आपको एक और इतिहास यहाँ का बताने वाली हूँ दोस्तों। जूना महादेव के दर्शन हम करेंगे, जिनके बिना यहाँ महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। आइए जूना महादेव मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना चाहिए। कुछ लोगों के अनुसार जब मुगल काल में इस शिवलिंग को खंडित करने की आशंका बढ़ी तो पुजारियों ने इसे छुपा दिया था, इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने शिवलिंग को ही वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल
कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शरण से बचाने के लिए ऐसा किया गया। और यही वो प्राचीन जूना महाकाल का मंदिर है दोस्तों, जिनके दर्शन के बिना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यहाँ भी दोस्तों देखिए, पंडित जी मुझे मना कर रहे हैं, वीडियो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। एक झलक तो दिखा ही सकती हूँ। जूना महाकाल के दर्शन आप कर रहे हैं इस वक्त। तो आशा करती हूँ दोस्तों, मीना के साथ आपने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लाभ प्राप्त किए होंगे। वीडियो पसंद आया हो या यात्रा मीना के साथ पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, एक और नई यात्रा पर लेकर आपको चलूँगी। तब तक के लिए मीना को आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।